गेमर फ्लीट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट माइनक्राफ्ट प्लेयर्स में से एक है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं जब गेमर फ्लीट अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में क्रिएटिव मोड का यूज करते हैं। तो गाइस मैं हूं राजित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है और जितनी भी गाइस मैं आप लोगों को क्लिप दिखाने वाला हूं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज इसे एंजॉय करना क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। अब जैसा गाइज आप लोगों को पता होगा कि आयरन फार्म बनाने के लिए हमें जॉम्बी की जरूरत होती है और जॉम्बी डिस्पॉन न हो जाए इसके लिए उसे नेम टैग देना होता है। अब गेमर फ्लीट अपना पहला आयरन फार्म बनाते हैं और जॉम्बी को कैप्चर करके उसको नेम टैग देते हैं, लेकिन रूफ को कवर करना भूल जाते हैं जिससे जॉम्बी डिस्पॉन हो जाता है। बाय बाय चपलम बेटे। ओ नहीं, ओ नहीं, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं। अरे नहीं यार, मैं गधा हूं गाइज, गाइज हां मैं गधा हूं। नहीं यार मैं गधा हूँ यार। ज़ॉम्बी लाने से पहले मैंने छतरी बनाई, वो ज़ॉम्बी आग से जल के मर गया यार। अब फिर से गाइस पता नहीं कितने घंटे लगेंगे एक नेम टैग लाने में। अब गाइस गेमर फ्लीट के पास एक ही नेम टैग था जो भी उन्हें फिशिंग से मिला था और उस नेम टैग को भी उन्होंने ज़ॉम्बी पर यूज कर लिया था, लेकिन नेक्स्ट क्लिप में एक नया ज़ॉम्बी आ जाता है जिस पर नेम टैग भी होता है। ओके तो गाइस फाइनली यार, कसम से मैंने यार भाई कम से कम नहीं भी तो मेरे को यार डेढ़ घंटे के आसपास हो चुका भाई, 2:12 हो गया है अभी इस टाइम पे भाई। मेरे को नेम टैग मिला है और भाई ये चटूरे को भी मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है अभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर गेमर फ्लीट ने जॉम्बी और नेम टैग क्रिएटिव मोड से लिए हैं क्योंकि पहले वाला नेम टैग गेमर फ्लीट को फिशिंग से मिला था। अब आप लोगों को पता होगा गाइस कि फिशिंग से हमें एक्सपी भी मिलती है, लेकिन गेमर फ्लीट की एक्सपी सेम है और गेमर फ्लीट का कहना है कि इनको जॉम्बी और नेम टैग लाने में 1.5 घंटे लग गए। कैलकुलेट करें तो माइनक्राफ्ट के 3 दिन और रात, लेकिन आप लोग देख सकते हैं गेमर फ्लीट ने एक ही ब्रेड का पीस खाया है और इनकी इन्वेंटरी भी सेम है। आप लोग को इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, खुद चेकआउट कर लेना। अब वार्डन के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा गाइस कि कितना ज्यादा खतरनाक मॉब है। अब गेमर फ्लीट वार्डन को मारने एंशिएंट सिटी जाते हैं, लेकिन जब भी उनका सामना वार्डन से होता है और वो मरने की हालत में होते हैं तो उस वाले पार्ट को वो कट कर देते हैं। मुझे भागना पड़ेगा गाइस, मुझे भागना पड़ेगा अभी के लिए, मुझे यहां से भागना पड़ेगा भाई। मैं कहां जा रहा हूं, मेरे को दिख तक नहीं रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो गाइस मैं कैसे ना कैसे करके एंशिएंट सिटी से भागता हुआ आया हूँ भाई, यहाँ पर क्या बंदा है वो। अब इस वाले फ्रेम में गेमर फ्लीट 1 हर्ट पर है, लेकिन अगले ही पल एक कट आता है और उनकी एचपी फुल हो जाती है। तो गाइस मैं कैसे ना कैसे करके, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उनकी गोल्डन कैरेट और पंपकिन पाई दोनों की क्वांटिटी सेम है और उनके पास कोई और फूड भी नहीं है जिससे वो रीजन करे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि उनकी एचपी फुल कैसे हुई। गेमर फ्लीट ने अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में भी क्रिएटिव मोड का यूज किया है। जब वो वीट फार्म बनाते हैं तब उनके पास सीड्स की कमी हो जाती है और क्रिएटिव मोड करके वो सीड लगा लेते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे लगा सके तो अगला काम हमारा वही होगा, पहले मैं फटाफट से इसमें सीड्स लगा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गेमर फ्लीट क्रिएटिव मोड में है। इस वाली क्लिप को गेमर फ्लीट ने वीडियो से रिमूव कर दिया है, आप लोग को इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, खुद चेकआउट कर लेना। अब एक बार गेमर फ्लीट को माइनक्राफ्ट में डायमंड्स मिलते हैं, लेकिन उनके इन्वेंटरी में स्पेस नहीं होता है जिसकी वजह से डायमंड्स कलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ओके पहले इस हराम भाई, इसको पहले मार, हट। ओके ठीक है, ये काफी दूर चले भाई, एक मिनट में गड्ढे में फंस गया। ओके बच गए भाई, अभी हम वो गड्ढे में फंस जाते हैं और हैंड टू हैंड मर जाते हैं। बट गाइस हम लोगों को फाइनली 2 डायमंड्स मिल चुके हैं। रुको जरा, पहले तो हम लोग एक चीज करेंगे भाई, यार मैं गधा हूँ क्या, मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल पीछे छोड़ा है। तो गाइस वैसे भी हम लोगों का भी यहाँ पर से और कुछ नहीं चाहिए था, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से बाहर ही निकलते हैं अब सीधे सीधे। अब यहाँ गेमर फ्लीट को लगता है कि उन्होंने डायमंड्स कलेक्ट कर लिए, लेकिन इन्वेंटरी फुल होने की वजह से डायमंड्स कलेक्ट नहीं हो पाते हैं और वो बिना डायमंड्स लिए ऊपर चले जाते हैं। और जब यह चीज गेमर फ्लीट को रियलाइज होती है तो अपना टाइम बचाने के लिए क्रिएटिव मोड से डायमंड्स ले लेते हैं। जहाँ से मैं आया था वहां पर से तो नहीं, वहां से तो निकल सकते, तो चलो फटाफट से बाहर निकलते हैं और जल्दी जल्दी ये डायमंड से भाई बनाते हैं डायमंड स्टिक। There we go, breaking a block drops a diamond. अब गाइस जहाँ क्रीपर का ब्लास्ट हुआ था वहाँ डायमंड्स भी थे, तो डायमंड्स भी ब्लास्ट हो गए होंगे और बाकी के डायमंड्स गेमर फ्लीट कलेक्ट करते तो उनकी एक्सपी भी बढ़ती, लेकिन उनकी एक्सपी सेम है और उनकी स्लीपिंग चैट में भी एडवांसमेंट शो नहीं होती है।
ये वाली क्लिप मुझे गेमर फ्लीट की सर्वाइवल सीरीज से मिली है, जिसमें इन्होंने एक पूरी एंजिन सिटी के ऊपर के ब्लॉक्स को कमांड की हेल्प से रिमूव कर दिया है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गेमर फ्लीट मुश्किल से 3-4 लेयर पर TNT ब्लास्ट करते हैं और फिर सीधा हमें एंजिन सिटी दिखाते हैं। डोंट टेल मी यार के ओके ठीक है वो उसकी वजह से हो तो। वो इसने इंजन सिटी भी नहीं तोड़ी, लेकिन देख रहे हो कितना बड़ा धमाका हो गया। सो लेट्स गो गाइस, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने उसको कैसे क्लियर कर दिया पूरा का पूरा। देखो भाई तुम्हें आने वाला है मज़ा। देयर वी गो गाइस, ठीक है ये पूरी इंजन सिटी है जो कि एक्चुअल में तुम्हारे भाई ने फाइनली पूरा का पूरा आसमान जो है वो साफ कर दिया एकदम, ठीक है इसके आसपास से हर चीज एकदम क्लीन कर दिया तुम्हारे भाई ने। अब गेमर फ्लीट ने कमांड का यूज किया है, इसके मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। जिसे टॉप पर जितने भी ट्री है वो कमांड यूज होता है ऐसी शेप में कटे हुए है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप लोग भी अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में क्रिएटिव मोड का यूज करते हैं। मैं चलता हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।